हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं ग्रेनारो के वायरलेस माइक की। सो आज का व्लॉग इसी के ऊपर होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। तो इसका टेस्ट हम आउटडोर में भी करेंगे, इंडोर में भी करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये माइक यूज़फुल है या नहीं, इसे हमें लेना चाहिए कि नहीं। और बहुत शिकायत रहती थी आप लोगों की कि मैं जो भी बोलती हूँ आप लोगों तक क्लियर नहीं जाता है, तो उसके लिए मैंने सोचा एक माइक तो ऑर्डर कर ही लेना चाहिए। और ये 2000 के अंडर में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अमेज़ॉन से मैंने इसको ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और आप लोग सोच रहे थे अभी मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी अचानक से लोग कैसे चेंज हो गए, एक्चुअली बीच में मेरी बेटी जग गई थी, फिर उसको मैंने वापस सुलाया है, चेंज किया है, अब उसके बाद मैं फिर से ब्लॉक कर लिया करती हूँ। तो यहाँ तक अनबॉक्सिंग हो गई थी। और जिन लोगों के पास बच्चे हैं उन लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ कुछ भी करना, उनका मूड बार बार ख़राब हो जाता है, उनका मूड सेट करना पड़ता है, उसके बाद अपना काम दोबारा कंटिन्यू करना पड़ता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। इसके साथ हमें एक वारंटी कार्ड दिया गया है, रिसीवर। तो इस रिसीवर की अच्छी बात ये है कि इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है, और माइक को चार्ज करने की ज़रूरत होती है तो आप या तो इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं, इसको चार्ज कर सकते हैं, ये चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, या फिर आप इसको माइक को डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हैं, इसमें भी दे रखा है ओके। और इस माइक में ये भी दे रखा है जिससे आप ईजिली इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। और क्या क्या दे रखा है आप देखते हैं, ये चार्जिंग केबल दे रखी है, और इसके साथ कनेक्शन के लिए आपको ये आपका अगर फ़ोन जैसे आईफोन है, iOS है, तो उसके कनेक्शन के लिए ये कोड दे रखा है। आप इसको यूज़ करके अपना डायरेक्ट आप रिसीवर को उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी मिलता है जो ईयरफोन वाली केबल आती थी, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है, तो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये मेरे पास पुराना वाला आईफोन है, तो सबसे पहले मैं इसमें कनेक्ट करती हूँ। ये इसमें कनेक्ट किया, देन रिसीवर कनेक्ट किया, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। इसके बाद जो जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं देखूँगी किस टाइप से। अभी मैंने कोई माइक नहीं लगा रखा है, फ़ैन भी मेरा ऑन है, तो आप डिफरेंस बाद में फील करेंगे कि माइक लगाने के बाद कितना डिफरेंस आता है। तो चलिए माइक लगा लेती हूँ मैं। अभी मैंने माइक लगा लिया है, ऑन कर लिया है, तो अब आप लोग फील कर सकते हैं मेरी वॉइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है ना। अभी थोड़ी देर पहले फ़ैन की कितनी वॉइस आ रही थी, और अब फ़ैन की बिल्कुल भी कोई वॉइस नहीं आ रही, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रहा। और अब मैं आपको इसके सारे मोड्स दिखाती हूँ स्टार्टिंग से। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा मेरी आवाज़ में, सॉरी आवाज़ में नहीं, आसपास की आवाज़ में, बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही थी उसमें। अब उसके बाद मैं सेकेंड फेज ऑफ रिडक्शन स्टार्ट करती हूँ, उसके लिए भी मुझे एक बार टैप करना पड़ेगा, और लाइट जो है इसमें दो बार ब्लिंक होगी, ये सेकेंड स्टेज है। तो इसमें भी आपको पहले से बेटर फील हो रहा होगा, बिल्कुल भी आवाज़ मतलब थोड़ा कम हुई होगी शायद आवाज़। अब इसके बाद मैं थर्ड वाला इसका जो कि लास्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करती हूँ, इसके लिए फिर से मुझे एक बार टैप करना होगा, और जिसके अंदर लाइट ब्लिंक होगी वो तीन बार होगी, तो ये लास्ट स्टेज है। और इसमें बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा इस रूम में फ़ैन चल रहा है,
जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको अच्छे से पता है कि फ़ैन की आवाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और बिल्कुल भी आवाज़ अच्छी नहीं आती, तो इसलिए कई बार मुझे खुद भी फ़ैन ऑफ करके बात करनी पड़ती थी और उसके बाद भी मेरी आवाज़ कभी क्लियर इतनी तो कभी आई नहीं जितनी अभी आ रही है। तो अब ये हो गया इनडोर टेस्ट, अब करेंगे हम इसका आउटडोर टेस्ट। और उससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ बातें बता देती हूँ इसके बारे में। अगर हम इसको 3 बार टैप करेंगे तो हमें थोड़ा सा इको साउंड सुनने को मिलेगा, तो चलिए करते हैं। 1 2 3 सफिया तूने क्या किया, कुछ डिफरेंस आया क्या? मोड को ध्यान रखिएगा, मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, सेकंड में बहुत बुरी करती हूँ। अगर आपको इको मोड हटाना है तो फिर से 3 बार टैप कीजिएगा तो ये मोड हट जाएगा। 1 2 3 तो वापस ये नॉर्मल मोड पे आ गया है। और एक बार मैं फिर से ना आपको सामने से मोड समझा देती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो शायद आप लोगों के लिए, एक बार अच्छे से बता देती हूँ। तो ये है माइक, इसको सबसे पहले ऑन करना है। यहाँ से इसको क्लिक किया साइड वाले बटन से तो ये ऑन हो गया। अब इसके बाद अभी इसमें कोई भी मोड स्टार्ट नहीं है। अगर आपको नॉइस कैंसिलेशन का फर्स्ट टैप ट्राई करना है तो आप एक बार टैप कीजिए, सेकंड मोड स्टार्ट करना है तो फिर से एक और बार टैप कीजिए, थर्ड मोड स्टार्ट करना है तो फिर से एक और बार टैप कीजिए, तो 3 मोड स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप डबल बार टैप करेंगे जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे तो म्यूट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप 3 बार टैप करेंगे 1 2 3 तो यहाँ पर इको मोड स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं माइक बहुत छोटा है, बहुत कंफर्टेबल है, इजीली आप लगा सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और रिसीवर अगर आपने ये कनेक्ट कर रखा है फ़ोन से रिसीवर को भी और आपकी बैटरी डाउन हो गई है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ से चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन को। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये प्रॉब्लम भी इन लोगों ने सॉल्व कर दी है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है मेरे को 2000 के अंडर में। अब इसके बाद इसका आउटडोर टेस्ट करने के लिए चलते हैं। अब आप लोग फील कर सकते हैं मेरी आवाज़ में कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। मैं थोड़ी देर शांत हो जाती हूँ। अब इसके बाद मैं इसका फर्स्ट स्टेज ऑन करती हूँ कैंसिलेशन का। अब थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में नॉइस थोड़ी सी कम हुई होगी, आप लोगों को फील हो रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ठीक है, मैं इसका थर्ड फेज ऑफ रिडक्शन स्टार्ट करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, अब कैसी आवाज़ आ रही है मेरी? ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट तो नहीं हो रहा है? और मैं थोड़ा दूर जाके दिखाती हूँ, ये 15 मीटर्स तक अच्छी आवाज़ दे सकता है। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग सुन सकते हैं कि कितनी दूर मैं गई हूँ, उसके बाद भी मेरी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। पे जाऊंगी और वहाँ पे जाके माइक ऑफ करूंगी, वहाँ से कुछ बोलूंगी, देखती हूँ वहाँ से आवाज़ मेरी कैसी आएगी। आई थिंक ये 20 मीटर्स हो गया होगा। अब मैं यहाँ से अपना माइक ऑफ कर देती हूँ। सो गाइज, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो 1700 में बहुत अच्छा ऑप्शन है न्यू बिगनर्स के लिए जैसे कि मैं, तो आप लोग भी इसको इस माइक को ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, आपने मेरा आज का ब्लॉग देखा और आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, लाइक ज़रूर करना, बाय।